Guys, welcome back to my channel on Super Beauty Hacks with Harkar. Guys, आप सबको happy Diwali in advance. और ये मैं आपके साथ share कर रही हूँ Diwali का makeup tutorial. And guys, बहुत easy है, with easy steps के साथ मैंने इस look को create किया. आपको देख के लग रहा होगा बहुत tough है, but बिल्कुल भी tough नहीं है. इस look को मैंने create कैसे किया है, हम जल्दी से video को start करते हैं. विदाउट एनी फर्दर डू, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहले हमने प्राइमर अप्लाई करना है. आपने अपने फेस के ऊपर प्राइमर अच्छे से अप्लाई कर लेना है. आप चाहे ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे मेरे हैंड से ही अप्लाई करना पसंद है, तो मैं हैंड से ही अप्लाई कर सकती हूँ, सॉरी कर रही हूँ. तो गाइस, अच्छे से प्राइमर अप्लाई कर लेना है हमने. और प्राइमर को हमेशा अपने नेक पे भी अप्लाई कीजिए, वहाँ पे भी कभी भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपका फाउंडेशन जो है वो किकी हो सकता है. तो अब मैं यहाँ पे मैंने अपना फाउंडेशन लिया है, तो मैं उसको डॉट मेथड से अप्लाई कर रही हूँ. तो आपके पास अगर फाउंडेशन स्टिक है तो आप जस्ट थोड़ा सा अपनी लेफ्ट और दोनों साइड्स पे थोड़ा थोड़ा आप लगा सकते हैं. एंड उसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है. मैं यहाँ पे अपने आईज़ पे फाउंडेशन लगाना स्किप कर रही हूँ, बिकॉज मैंने अपनी आईज़ के ऊपर हम कंसीलर ही अप्लाई करेंगे, वो भी हम प्लस वन टोन वाला ही हमेशा यूज़ करते हैं. सो हमने अच्छे से इस फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेना है. आप चाहें फाउंडेशन को ब्लेंडर ब्यूटी ब्लेंडर से, हाथ से, किसी भी चीज़ से, बट ब्लेंड अच्छे से आपने करना है, ताकि आपका फाउंडेशन जो है बिल्कुल आपके स्किन में मर्ज हो जाए, लगे ही नहीं कि आपने कोई फाउंडेशन लगाया है. तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ अपना मेबेलिन फिट मी का कंसीलर. आपके पास कोई भी आपका कंसीलर है, आप उसको अप्लाई कर लीजिए. ब्रिज ऑफ द नोज़ पे कंसीलर अप्लाई कीजिए, और डार्क एरियाज़ पे एंड द फोर हेड ऑल्सो. एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए. इससे क्या होगा कि आपका टी जोन एरिया जो है वो अच्छे से ग्लो करेगा, एंड आपके आई शेडो अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए. एंड यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आई कंसीलर को आपने अच्छे से ब्लेंड करना है, और आईज़ के अराउंड भी लगाना है, और आई शेडो आपका जो होगा वो अच्छे से उभर के आता है अगर आप अच्छे से कंसीलर वहाँ पर अप्लाई करते हैं. तो अब आपने अपना कॉम्पैक्ट या पफ पाउडर, आपके पास जो भी अवेलेबल है, आपने उसको अप्लाई कर लेना है. इससे आपका फाउंडेशन जो है वो अच्छे से मर्ज हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, एंड वो बिल्कुल भी केकी या पैचेस में नहीं जाएगा. तो बेस को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है. अब बारी आती है मेरी ब्रोज़ की. अपनी ब्रोज़ को सेट कर लीजिए. एंड ये जो मेकअप ट्यूटोरियल है ये वुमेन्स और टीनेजर गर्ल्स दोनों के लिए परफेक्ट है. आप दोनों ही इसको अप्लाई कर सकते हैं. गर्ल्स के लिए ऐसा हो जाएगा कि ये बोल्ड हो जाएगा, और वुमेन्स के लिए तो मैरिड लुक हो ही जाएगा. तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर का आई शेडो लिया है, और उसको हमने आउटर लाइन क्रीज लाइन से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है. आउटर टू इनर कॉर्नर तक हमने इसको ब्लेंड करना है. जो सेंटर का पार्टीशन है आपने उसको बिल्कुल एम्प्टी छोड़ना है. इससे आपको अलग से क्रीज लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैंने इस वीडियो को बहुत धीरे रखा है ताकि आपको आई शेडो अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकें. और जो आपका सेंटर का पार्ट बचता है वहाँ पर आपने अपना गोल्डन या फिर सिल्वर लेके आपने उसको अपने रिंग फिंगर की हेल्प से डैब डैब कर लेना है. रिंग फिंगर का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए हम रिंग फिंगर से ही करते हैं. और मैं यहाँ पे गोल्डन कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिल्वर ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा गोल्डन पसंद है. और अगर आपको सिल्वर पसंद है तो आप सिल्वर भी अप्लाई कर सकते हैं. तो आपने देखा किस तरह से सिर्फ आपने मिड ऑफ द आई ही इस शेड को अप्लाई करना है, और रिंग फिंगर से ही बहुत अच्छे से ये ब्लेंड भी हो जाता है. आपको ब्लेंड करने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो अब हमने वही पिंक शेड लेके हमने इनर आई पे लगा लेना है. इनर टू आउटर टू इनर कैंथस तक हमने इसको अप्लाई कर लेना है.
और अच्छे से आपने इसको अप्लाई कर लेना है, और बिल्कुल ऊपर जो आपने शेडो लगाया उसके साथ इसको मर्ज करना है, जैसे कि आपकी एक बोल्ड मेकअप लुक आएगा इसके साथ। आप देखेंगे कितना आसान था इस आई लुक को क्रिएट करना। अब बारी आती है आईलाइनर अप्लाई करने की, तो मैंने यहाँ पे NYB का आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। करंटली ये मेरा फेवरेट बनता जा रहा है, बट मैं आपके साथ इसका थोड़ा सा रिव्यू शेयर कर देती हूँ। ये बिल्कुल भी अगर मैं बोलूँ वाटरप्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मतलब अगर आपने थोड़ी देर के लिए मेकअप करना है तो इट्स परफेक्ट, इससे विंग बहुत अच्छा बनता है, लेकिन हम इस आई लुक में बिल्कुल भी विंग क्रिएट नहीं करेंगे। हमने सिर्फ इसको आउटर आई तक ही अप्लाई करना है, और यहाँ पे मेरा आईलाइनर अप्लाई हो चुका है। अब हम काजल अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने प्रोफ्यूज़न का आई काजल अप्लाई किया है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं दिखा रही हूँ, वो इसीलिए ताकि आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप उन्हीं को यूज़ करके इस लुक को क्रिएट करें। अगर आप ये सेम लुक क्रिएट करते हैं गाइस, तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत बिल्कुल मत भूलिए। माय आईडी सुपर ब्यूटी हैक्स। अब मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मुझे मस्कारा अप्लाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे मैं लैक्मे का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरी आईज़ को काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टेड बना देता है। एंड गाइज, जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे मैं फ्लैश भी कर दूँगी जो जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं। और बारी आती है कंटूर की, तो पहले मैं ब्रॉन्ज़र ज़्यादातर यूज़ करती थी, आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा। आजकल मुझे कंटूर करने का बहुत मन होता है, हालांकि मेरा फेस इतना मोटा भी नहीं है, बट फिर भी मुझे बहुत मन होता है कंटूर करने का। तो मैं यहाँ पे मैंने NYB का ऑर्डर किया था। ये काफ़ी अफोर्डेबल में है, अफोर्डेबल क्या, चीप में मिल जाता है, और इसका रिज़ल्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इसका कंटूरिंग का। तो कंटूर स्टिक से हमने इसको अप्लाई करके इस अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, और अगर आपने अपने नोज़ को शार्प करना है, मैंने यहाँ पे हर पार्ट को कंटूर किया था। अब बारी आती है ब्लश की, और ब्लश के बिना तो हमारी चीक्स बिल्कुल सूनी सूनी लगती हैं। एंड मैंने यहाँ पे मेबलिन का ब्लश लिया है। मेबलिन का ब्लश मेरा फेवरेट है, इसको मैंने अपने ब्राइडल किट में भी रखा है, एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। थोड़ा सा ब्रिज ऑफ द नोज़, हेड एंड चिन पे। अब बारी आती है मैजिक की, एंड द मैजिक इज़ हियर। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर ली है आई लैशेज। ओ, थोड़ा सा मेरे आई लैशेज का आई थिंक ग्लू मेरे आई शेडो पर लग चुका है, बट मुझे पता है कि मैंने अभी तक नहीं देखा है, तो मैं बाद में इसको करेक्ट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लैक्मी 925 CC का न्यूड शेड। आई लव दिस शेड। ये लिपस्टिक आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। एंड हियर इज़ माई फाइनल लुक। सी गाइज, दिस इज़ वेरी इजी मेकअप ट्यूटोरियल। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को मत भूलिए। एंड मिलते हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैप्पी दिवाली गाइज, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।